नमस्कार, स्वागत आप सभी का सिलसिला बाजारों का। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाटी और सिलसिला बाजारों का मैं आप सबके लिए एक बार फिर से लेकर हाजिर हूं यहां पर कमोडिटी बाजार का अपडेट लेकर। जानेंगे कि आज सोमवार के दिन हफ्ते के पहले कारोबारी दिन कमोडिटी बाजार कैसा खुलता नजर आ रहा है, कमोडिटी बाजार में कितनी मंदी तेजी के साथ कारोबार दर्ज किया जा रहा है और उस पर रूपा मेहता की क्या राय रहेगी, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। शुरुआत करेंगे सबसे पहले यहाँ पर नॉन एग्री कमोडिटीज के बाजार में सोने और चांदी से। तो जैसे कि आज हम देख रहे हैं कि सोना इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, इंटरनेशनल स्पॉट मार्केट की बात कर रहे हैं अगर, तो गोल्ड $1979 पर यानी $1979 पर ट्रेड करता नज़र आ रहा है। जब हमने बीते सब कारोबारी सप्ताह सोने को 2000 के पार जाते हुए देखा था, उससे यही लग रहा था कि जो सोना निचले स्तर से रिकवर हुआ है वो $2000 के ऊपर थोड़ा सस्टेन हो सकता है, वहाँ पर सोने की कीमतों में थोड़ी सस्टेनेबिलिटी देखने को मिल सकती है। लेकिन आज देख रहे हैं कि सोना जो है वो $2000 के नीचे लुढ़क चुका है, लगभग 21 पॉइंट नीचे है और $1979 पर ट्रेड करता नज़र आ रहा है। सिल्वर भी आधी फीसदी लुढ़की है, $26 पर ट्रेड करती नज़र आ रही है। देख रहे हैं कि हफ्ते के पहले कारोबार दिन गोल्ड और सिल्वर दोनों की ही कीमतों में एक गिरावट के साथ कारोबार दर्ज किया जा रहा है। इसके साथ बात करें यहाँ से अगर घरेलू वायदा बाजार की, तो MCX पर भी गोल्ड और सिल्वर की जो कीमतें हैं उनमें एक नरमी देखने को मिली है पहले के मुकाबले। गोल्ड की बात करें तो गोल्ड 52,000 के लेवल पर है, अगर गोल्ड का पहला वायदा देखूँ तो 52,710 पर ट्रेड कर रहा है और सिल्वर का मई वायदा 70,000 के लेवल पर है। देखने की गोल्ड और सिल्वर दोनों की ही कीमतों में अभी एक नरमी देखने को मिल रही है। अब ये जो अचानक से नरमी आई है उसके पीछे के कारण क्या क्या है ये जान लेते हैं। जब से रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन का बयान आया है कि मॉस्को का जो शेयर बाज़ार है वो दोबारा से थोड़ी बढ़ोतरी हो सकती है, फिर से शुरुआत हो सकता है, फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है, तो उसकी वजह से और दूसरा US ट्रेजरी यील्ड्स में जो तेज़ी देखने को मिली है उसकी वजह से गोल्ड और सिल्वर में यहाँ पर नरमी आते हुए नज़र आई है। लेकिन कीमतें अभी भी अट्रैक्टिव बनी हुई हैं, आकर्षित बनी हुई हैं। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर सोने चांदी की कीमतों में क्या करके चलना सही रहेगा, जान लेते हैं रूपा जी से। रूपा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका मार्केट MCV पर। जी शुक्रिया रूपा जी। देख रहे हैं कि गोल्ड और सिल्वर के जो प्राइसेस हैं वो ऊपर से थोड़े स्लिप होते हुए नजर आए हैं, ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या सोने में इन लेवल से फिर से खरीदारी बन जाएगी या फिर ये जो कीमतें हैं यहाँ से अभी और टूटेंगी? देखिए, सोने चांदी में अभी थोड़ा सा ऊपरी स्तरों पर प्रेशर बनता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि डॉलर के अंदर लगातार अब तेजी आती हुई दिखाई दे रही है और येन के अंदर भी हमने एक अपसाइड मोमेंटम आते हुए देखा है क्योंकि सेंट्रल बैंक की तरफ से पॉलिसी डिसीजन इस वीक के अंदर आ सकता है, तो इस वजह से थोड़ा सा मार्केट के अंदर करेंसी के अंदर बूस्टअप आता हुआ दिखाई दे रहा है जिसकी वजह से प्रेशर जो है वो सोने के ऊपर नजर आ रहा है। तो सोना और चांदी नीचे में एक बार $1960 जो है सोना एक बार नीचे में हो सकता है कि ट्रेड करता हुआ दिखाई दे, तो वहीं चांदी की बात करें तो $25.80 के आसपास चांदी भी टूट सकती है, यानी कि थोड़ा बहुत करेक्शन आज मार्केट में देखने को मिल सकता है। रूपा जी, घरेलू वायदा बाजारों पर और हाजिर पे सोने चांदी की कीमतों में कितना उठापटक देखने को मिल सकते इस वॉलेटिलिटी में? देखिए, अगर देखा जाए डोमेस्टिक मार्केट के अंदर भी बाजारों के अंदर ऊपरी स्तरों से बिकवाली जो है हमने आते हुए देखी है और अभी ये बिकवाली थोड़ा सा और बढ़ सकती है, जिस तरीके से एक्सपेक्ट करें कि $1960 तक नीचे जा सकता है, तो यहाँ पर भी गोल्ड जो है वो 52,400 से 52,200 की रेंज फिलहाल देखने को मिल सकती है और चांदी भी 69,800 से 69,600 तक सकती है। जी रूपा जी, सोने चांदी में देख रहे हैं कि हाई वॉलेटिलिटी है इस वक्त मार्केट के अंदर और जो जंग है रशिया और यूक्रेन के बीच वो अभी कूल डाउन नहीं हुई है, वो भी अभी लगातार जारी है। हालांकि दोनों देशों के बीच बीच में वार्तालाप भी होते रहे हैं जिससे कि जो लड़ाई है वो थोड़ी थम जाए और किसी के बिजनेस पर इम्पैक्ट ना आए, लेकिन ऐसे में हम देखते हैं कि अगर जब भी ऐसी जंग की स्थिति बनती है तो तब तब जो मार्केट है वॉलेटाइल तो रहती है, लेकिन अगर कोई निर्णय लिया जाता है, डिसीजन लिया जाता है, तो वो भी इतनी जल्दी इफेक्ट में नहीं आता है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या सोने चांदी की कीमतों में जो उठापटक का दौर है ये आगे भी जारी रहेगा? देखिए, सब कुछ डिपेंड करता है अभी रशिया और यूक्रेन के ऊपर, अगर इनके बीच में वार्तालाप होती है और ईजो आता है तो सोने में गिरावट जो है वो बढ़ सकती है और अगर वापस से मुद्दा गहराता है तो फिर सोने और चांदी में अगेन जो है बाइंग आते हुए नजर आ सकती है। लेकिन फिलहाल के लिए जो ट्रेंड बनता हुआ दिखाई दे रहा है वो थोड़ा सा रेनबो हो सकता है, $1960 से लेकर ऊपर में $2000 तक बाजार जा सकता है।
जी रूपा जी, गोल्ड सिल्वर की गिरावट के साथ साथ देख रहे हैं हाँ कि करवा क्रूड देते ऑयल हैं में भी आपके साथ। गिरावट आई है, काफी ज्यादा गिरावट है। WTI देख रहे हैं कि 106 डॉलर पर है 2.5% की करेक्शन के साथ, और ब्रेंड क्रूड ऑयल 2% की हाँ ये करेक्शन के करवा साथ देते 110 डॉलर हैं पर। रूपा जी देख रहे हैं कि WTI और आपके ब्रेंड क्रूड दोनों ही ऊपरी स्तर से काफी ज्यादा स्लिप होते नजर आए हैं। जो ब्रेंड क्रूड ऑयल साथ। 139 डॉलर यानी लगभग 140 डॉलर के आसपास था, आज वो 110 डॉलर पर ट्रेड कर रहा है, यानी कि 30 डॉलर की गिरावट आ चुकी है 1 से 1.5 हफ्ते के दौरान ही। रूपा जी ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या कच्चा तेल यहाँ से अभी थोड़ा और फिसलेगा? क्या कच्चे तेल की कीमतें यहाँ से अभी और गिरेंगी? देखिए कच्चा तेल थोड़ा सा गिरावट जो है वो शॉर्ट टर्म रैली है कच्चे तेल में। अभी जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो सस्टेनेबल होगा मार्केट वो 90 डॉलर से लेकर 100 डॉलर के बीच में सस्टेनेबिलिटी आ सकती है, लेकिन अभी आज भी हम देख रहे हैं कि ऊपरी स्तरों से मार्केट फिसला हुआ है। और अभी देखिए जो सप्लाई का कंसर्न है वो एज इट इज बना हुआ है, जिसकी वजह से अभी भी कीमतें जो है 100 डॉलर के ऊपर सस्टेन है। तो यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक बार नीचे में अगर आती है तो 100 डॉलर तक आ सकती है, और ऊपर में 110 डॉलर से 120 डॉलर की रेंज फिलहाल बनती हुई दिखाई दे रही है। जी डोमेस्टिक मार्केट में नीचे में अगर सिसरता है तो 8,000 तक नीचे बाजार हो सकता है। जी रूपा जी, बेस मेटल्स पे आपकी क्या राय रहेगी? क्या अभी भी बेस मेटल्स में तेजी बाकी है? देखिए बेस मेटल में अभी देखा जाए तो पॉजिटिव है मार्केट, और बजारों के अंदर अभी भी जो है वो बाइंग देखने को मिल सकती है। ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आगे चलकर भी बेस मेटल काफी पॉजिटिव रह सकते हैं। अभी फिलहाल ऊपरी स्तरों से मार्केट सारा ही करेक्शन में है, क्योंकि जिस तरीके से टॉप देखने को मिल रही है उस वजह से एक मोमेंटम जो बना हुआ है वो करेक्शन का है, जिसकी वजह से करेक्शन आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आज और हफ्ते के पहले कारोबारी दिन और ये हफ्ता हो सकता है कि थोड़ा सा प्रेशर वाला देखने को मिले, और बेस मेटल में भी इसके चलते गिरावट जो है वो आ सकती है। जी रूपा जी, नॉन एग्री में टॉपिक्स क्या देने चाहेंगी आप हफ्ते के पहले कारोबारी दिन? देखिए मुझे लगता है कि आज थोड़ा सा गोल्ड जो है वो फिसल सकता है, 52,800 से लेकर 52,600 तक गोल्ड आ सकता है, और 69,800 तक जो है वो चांदी भी फिसलती हुई दिखाई दे सकती है, तो इसलिए इनमें भी क्वाली की जाए। जी तो ये तो बात करी थी हमने यहाँ पे अभी नॉन एग्री कमोडिटीज की,